तरनिया की खूबसूरती यहीं से शुरू होती है और खूबसूरती के दरवाजे पर एक खतरा मंडरा रहा है। हमारी कोशिश है कि जंगल वाइस के माध्यम से इस समस्या को अधिकारियों के सामने लाना चाह रहा हूं। वो खतरा उस पर शायद अभी जिम्मेदारों की नजर नहीं गई है और जब नजर जाएगी तो शायद जिम्मेदार भी चौंकें कि अब तक इस चीज पर नजर उनकी कैसे नहीं गई। इस वक्त कतरनिया वन जीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। ये वो जगह है जहां से कतरनिया टूरिज्म शुरू होता है। पर्यटक आते हैं और यहीं से कतरनिया जंगल का आनंद लेते हैं। कतरनिया वन जीव प्रभाग का प्राकृतिक सौंदर्य इतना लोगों को लुभाता है कि यहाँ की यादें हमेशा उन्हें याद आती हैं। लेकिन कतरनिया का पर्यटन खतरों के बीच भी है। खतरे हैं हिंसक जीवों के, तो खतरे हैं जंगल के सन्नाटे के। लेकिन एक खतरा ऐसा है जो यहीं से इसी पॉइंट से शुरू हमारे पांव के पास है। ये आप देख सकते हैं, ये एक लोहे का पोल है। आम तौर पर ये लोहे का दिखने वाला पोल, इसके ऊपर से ये जो तार गए हुए हैं, ये सामने तार हैं, ये 11,000 लाइन के हैं। और इसी के सामने इको पर्यटन परिसर, इधर दिखाइए, इको पर्यटन परिसर का बोर्ड लगा है। यहाँ से नानपारा 25 किलोमीटर और जनपद मुख्यालय 60 किलोमीटर है। बस बात इतनी सी है कि ये विद्युत पोल पूरी तरीके से 70% नीचे से कट चुका है। अगर आप इस पर देखेंगे तो ये विद्युत पोल 70% नीचे कट चुका है। अब हम ये बात करेंगे, इनका नाम उदल है, छोटी सी दुकान है चाय की। इस चाय की ढाबली पर ये यहाँ आने जाने वालों लोगों को चाय पिलाते हैं। इनके सामने ये विद्युत का पोल है, तो जाहिर है पहली जिम्मेदारी इनकी है कि इस पोल को लेकर इनको अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए। तो आपने क्या सूचना दी? हम सूचना दिया, लेकिन इसका कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ कहाँ सूचना दी थी? ये लैंडमाइन में, विद्युत विभाग ने। विद्युत विभाग ने क्या कहा? वो कहे कि जाइए उस पर लगा दीजिए पोल, छोटा सा गाड़ दीजिए, उसके बाद उसको कर दीजिए। ये आम ग्रामीण हैं, विद्युत विभाग के दफ्तर जाते हैं कि 11,000 की लाइन सड़क के ऊपर से निकली है, पोल गिरने के कगार पर है। और विद्युत विभाग इन्हें जवाब देता है कि इसके बगल में आप अपना एक खुद पोल खरीद कर गाड़ दीजिए। वह विद्युत विभाग, अगर आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस ग्रामीण को इसके बगल में पोल लगाने की सलाह ना दें, क्योंकि इसकी भी जान कीमती है। मैं अनिल कुमार मौर्य, और अक्सर मेरा यहाँ आना जाना रहता है, और इसको लेकर मैंने विद्युत विभाग को शिकायत भी किया था, और पिछले 6 महीने पहले मैंने शिकायत किया था और कई पेपरों में प्रकाशित भी करवाया गया था। पर यहाँ के विद्युत विभाग का जो रवैया है यह सही नहीं है, और अक्सर यह एक्सीडेंट होने का संभावना भी हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि सही बात है कि यह गला हुआ है और ये कभी भी गिर सकता है, और गिरने के बाद ये रोड जो है आवागम हमेशा चालू रहता है 24 घंटा, और कोई भी आदमी चोटिल हो सकता है। जब चोटिल होएगा तो ये एक अस्माकाकित घटना दिखा दिया जाएगा। ग्रामीण भी इस विद्युत विभाग की इस कार्यशैली से परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत पोल कभी भी टूट कर गिर सकता है, गिरे कोई दुर्घटना हो लोग त्राही त्राही करें, इससे पहले उच्च अधिकारियों को जगना चाहिए और विद्युत विभाग को इस पोल को बदल देना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि वन विभाग के भी अधिकारी इस वीडियो को देखें और अपने स्तर से प्रयास करें, क्योंकि कतरनिया की खूबसूरती यहीं से शुरू होती है और खूबसूरती के दरवाजे पर एक खतरा मंडरा रहा है। ईश्वर ना करे कभी ये पोल टूटता है तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी दुर्घटना को दावत देगा।